हेलो के वी पी वाई एस्पिरेंट्स, कैसे हो सभी लोग। एंड यार, बहुत सारे दिनों से जो है बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्वारी करते हैं कि ऐसे टाइम वेस्ट करते रहते हो आप, बताते नहीं हो कितना कट ऑफ जाएगा, 60 मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मुझे मिलने वाला है, कौन सा नहीं मिलने वाला। सो यार, इतनी गालियाँ वगैरह मत दिया करो, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरे भी कुछ एग्जामिनेशन चल रहे थे। एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ एट hindustandrone.com इंजीनियरिंग वाला एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, लेटेस्ट पार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम IITN, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई विल ट्राई डेफिनेटली आंसर यू ऑल योर क्वेश्चन। तो आज अपन पूरा डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, और आपको अगर KVPY के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अपन एक लाइव सेशन रखने वाले हैं अभी, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, आप मुझे डेट वगैरह डिसाइड करके बताना, ठीक है। लिख के उस पर सबसे ज़्यादा जो लाइक करेगा उसके हिसाब से अपन सेशन रखेंगे, ओके। बिकॉज आई एम KVPY स्कॉलर एंड मेरे भी 2 digit के अंदर रैंक थी, ठीक है। सो अब आज अपन बात करने वाले हैं कम्प्लीटली KVPY की रैंकिंग के बारे में, कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, देन आपकी कितनी रैंक आ सकती है, और कौन सा बच्चा सेलेक्ट होगा, और कितने मार्क्स पे सेलेक्ट होगा, और इतने सालों में कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है, आपका इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, राइट। तो यार, जनरली मैं आपको बता दूं कि जो है इतने 5 सालों का अगर मैं देखूं आपको रेशियो, तो जो है 40,000 से लेके, या फिर आप 45,000 मान के चलो, 45,000 से लेके 50,000 पर ईयर फॉर्म आ रहे हैं KVPY के रिगार्डिंग। टोटल जो फॉर्म आ रहे हैं वो 45,000 से लेके 50,000 तक KVPY के अप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों में, यानी कि 18, 19, 20, 21, ओके। लेकिन पिछले 2 साल से ड्यू टू COVID-19, अभी आपका 2021 सेशन का 22 मई को एग्ज़ाम हुआ है, तो पिछले साल जो हुआ था 2020 का जो सेशन था, कोविड आ गया था, तो उस टाइम पे जो है एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हो चुका था और कोविड मार्च में आया था, ठीक है। तो जो है इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो इंटरव्यू को जो है कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, हटा दिया गया था, ओके। तो जो उस साल जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली हुए थे, ओके। अब जो है इस साल क्या होने वाला है, सॉरी शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इस साल क्या होने वाला है, हाँ डायरेक्टली हुए थे, ठीक है। इस साल क्या होने वाला भैया, राइट। सो जो है, क्योंकि 20 बीच में तो मैं ही था ना शायद, तो यार जो है इस साल भी अभी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन वेबसाइट पे यही दिया गया है कि सिलेक्शन ओनली फॉर बेसिस फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। सो जो है आप अगर 45,000, आप अगर अपन 45,000 अप्लीकेशन फॉर्म मान के चले, तो जो है टोटली अगर 40,000 बच्चे भी एग्ज़ाम देने आए, 5,000 तो एब्सेंट होना बहुत मुश्किल है, कम से कम 50 से 60 बच्चे एब्सेंट रह सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया के अंदर। सिलेक्शन टोटली कितने बच्चों का होता है स्कॉलरशिप के अंदर, आपको यार एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे फोड़ रहे हैं वो है एस ए ब्रांच वाले कौन से होते हैं कमेंट में बताना, ठीक है। 11th क्लास वालों को हम SC वाले बोलते हैं। सो क्या होता है ना, SC वालों के पास थोड़ा कम प्रेशर होता है, ठीक है, उनके पास आगे भी JEE के लिए मौके होते हैं, बोर्ड का प्रेशर उनके पास होता नहीं है। जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं 12th वाले, उनके पास थोड़ा प्रेशर होता है, जैसे बोर्ड का प्रेशर होता है, JEE का प्रेशर होता है, अदर एग्जामिनेशन नीट का प्रेशर होता है, ठीक है, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होते हैं वो SA वालों के होते हैं, जो भी SA वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, SA ब्रांच वाले, ओके। सो अब कितना सिलेक्शन होता है, सर जो 40,000 बच्चे हैं या फिर 50,000 जो बच्चे हैं, उनमें से जो सिलेक्शन है वो 1600 से लेके 1700 तक का सिलेक्शन होता है। यानी कि पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं, जैसे 2020 है, 19 है, 2018 है, ठीक है, 18, 19, 20, इसके अंदर ना टोटली 40,000 से 50,000 फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें जो टोटली जो सिलेक्शन होता है वो 1600, 1500, 1700 ऐसे बच्चों का हो रहा है। अब अपन जो है, हमारे पास बेसिकली कुछ कैटेगरीज बटी हुई है, जैसे हमारी जो है हम कितनी कैटेगरीज रखते हैं, देख आप लिख सकते हो, ठीक है। एक हमारी जनरल कैटेगरी होती है, ठीक है, एक हमारी जनरल EWS होती है, और एक हमारी OBC कैटेगरी होती है, ओके। सो 3 कैटेगरी हो गई हमारी। एंड अगर अपन एक दूसरी साइड में देखें, तो हमारी जो कैटेगरी होती है वो होती है एक SC कैटेगरी होती है, एक ST कैटेगरी होती है, एंड एक जो है PWD भी हम मानते हैं, ठीक है, जो भी फिजिकली हैंडीकैप होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कितना कट ऑफ रहता है भैया,
सर जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए जिन जिन स्टूडेंट्स के 55 आ रहे हैं जिनके एंड जनरल एडुलर्स और ओबीसी वालों के लिए, उनके जो है इन तीनों में जो है कुछ कुछ मार्क्स का फर्क होता है, यानी कि जनरल के अगर 55 है एंड जनरल एडुलर्स वाले के 54 है और ओबीसी वाले के 53 है तो भी चलेगा। 53 मतलब 53, ठीक है, 54 मतलब 54, ओके, 55 मतलब 55, ओके। अब अपन कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है एससी वालों को, एसटी वालों को, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को, उनको क्या रिलैक्सेशन मिलता है, उनके जो है ना आप कम से कम 10-15 मार्क्स घटा दो, ठीक है, इतना इफेक्ट पड़ता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के ना उनका जो है 35 पे भी हो जाता है जनरली, ठीक है, 35 आप मैक्सिमम जो है 36-37 मान के चलो, इतने पे भी उनका हो जाता है जनरली, ठीक है, एससी एसटी वाले जितने भी बच्चे हैं। और जो है ऐसे ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो यार 1100 से 1200 बच्चे तो वही उठा लेते हैं, ठीक है, राइट। सो ये सारा सीन है इनका। अगर अपन इनके कुछ कट ऑफ की अगर अपन बात करें कि भैया कितना हमारा रैंक, अगर अपन प्रेडिक्ट करें कि भैया हमारा जो है कितना रैंक आने वाला है, ओके, सो यार जो है अब अपन कट ऑफ की तैयारी करते हैं कि भैया कितना कट ऑफ रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी एस ए स्ट्रीम के लिए, और अगर आप एस बी स्ट्रीम से हैं, अगर आप एस एक्स स्ट्रीम से हैं, ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स के जो एस ए स्ट्रीम से हैं और जस्ट लाइक जनरल कैटेगरी के अंदर है, तो उनका मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो अगर आपके एटलीस्ट जो है 55 आ रहे हैं या फिर 54 आ रहे हैं लेकिन आप सेफ हो, एस बी वाले जो बच्चे हैं उनके भी एटलीस्ट 52-53 आ रहे हैं लेकिन आप सेफ हो, एस एक्स वालों के थोड़ा सा घट जाता है एंड आपके 48 यानी कि 48-47 आ रहे हैं देन सेफ हो आप, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एस सी एस टी वाले बच्चों के लिए, तो जिन भी स्टूडेंट्स के एस ए ब्रांच में जनरल कैटेगरी एस सी एस टी वाले जो बच्चे हैं उनके के यू पी वाई एस ए के अंदर 40 आ रहे हैं, ठीक है, 40% आ रहे हैं, एस बी वालों के भी यही 41-40% आ रहे हैं, या फिर एस एक्स वालों के अगर 34-36 आ रहे हैं देन आप सेफ हो, ठीक है। अगर अपन पी डब्ल्यू डी की बात करें तो पी डब्ल्यू डी का भी ऑलमोस्ट सेम है, ओके, सो ये सारा इनका जो है कट ऑफ सेशन होता है। एंड यार ये जनरली जो है पिछले भी कुछ सालों में यही चल रहा है, जैसे ऐसे वालों के लिए 50, जनरल वालों के लिए जस्ट लाइक 53, 52, 55, 54 एंड एस एक्स वालों के लिए मतलब जस्ट लाइक एंड एस बी वालों के लिए, ओके, सो एंड एस जो है एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी वाले हैं ना वो तकरीबन 40-45 के बीच में रहते हैं, ठीक है, 46-47 तक भी पहुंच जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है। एंड ये मतलब आप मान के चलो कि 40 वाली लाइन में रहते हैं, ठीक है, 32-33, 34-35, 40 तक इस लाइन के अंदर रहते हैं। और जस्ट लाइक कुछ गूगल पे भी आपको वेबसाइटें मिल जाएगी जैसे करियर 360, उस पर भी आई थिंक पिछले सालों के आप जो है देख सकते हो पिछले सालों के किसके कितने मार्क्स आए थे, तो उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो, ओके। तो एक ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि भैया कितने मैक्सिमम जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आते हैं, और जो है मेरे 66 मार्क्स आ रहे हैं देन मेरी क्या कैटेगरी मतलब क्या रैंक आएगी, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, और अगर टॉप 100 के अंदर आने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड टॉप 200 में आने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और इस क्वेश्चन के लिए मेरे जो है कमेंट बॉक्स में बहुत बुरा बोल रहे थे, तो यार ऐसा ना किया करो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन डाला करो, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू, ओके। सो जिन भी स्टूडेंट्स के ना 66 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 64 से लेके 70 तक आ रहे हैं, तो मतलब आप मान के चलो कि आप अंडर जो है, ठीक है, 210 तक आ जाओगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, 200-210 तक जिन भी स्टूडेंट्स के 66 से लेकर 70 तक आ रहे हैं वो जो है 200 रैंक तक आ जाओगे, ठीक है। एंड इसके ऊपर जिनके आ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स के को ऐसा लगता है कि मेरे को टॉप 100 में आना है, तो टॉप 100 वाले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा मतलब करेज लाना पड़ेगा एंड मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, उसके लिए जो है आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं 70+, ठीक है, 75+ आप मान के चलो तो आ जाओगे, ठीक है। एंड यार मतलब पूरे में से पूरे तो ला पाना, बहुत जितनी प्रिपरेशन नहीं करते बच्चे इसकी, लेकिन मतलब ठीक ठाक करते हैं प्रिपरेशन। और यार अब आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, अब स्टूडेंट्स मेरे पास ये कंसर्न करते हैं कि मेरे को एडमिशन लेना है IISc के अंदर
एंड आईसर के अंदर। तो आईसर और आईआईएससी में मेरा क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो यार इसका मैं ना एक सेपरेट वीडियो आईआईएससी के रिगार्डिंग और आईसर के रिगार्डिंग डाल दूंगा। और आईसर का तो हमारा एडमिशन प्रोग्राम ऑलरेडी चलता रहता है, ठीक है, एंड हमारी जो टीम है वो कस्टमाइज एडमिशन प्रोग्राम भी चलाती रहती है, तो आप उनकी जो है काउंसलिंग प्रोग्राम भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, किस मार्क्स पे कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, तो वो भी जनरली जो है आपको हेल्प कर देते हैं इसके रिगार्डिंग, कि जस्ट आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सी आईसर मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, राइट। एक ये क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि जो है न्यू आईआईटीज जो ओपन हो रही है, एक जो है हमारी आईआईएससी बेंगलोर में नया बीटेक कोर्स लॉन्च हुआ है, तो हम कौन सा लें, न्यू आईआईटी में सीएससी अडॉप्ट करें या आईआईएससी के अंदर जो है हम जनरली कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स लें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जन जो है आईआईटी का जो है सीएससी ले सकते हो जनरली, ठीक है। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो है आप ज़रूर बताना कि आपको इसके रिगार्डिंग केवीपीवाई के रिगार्डिंग कोई लाइव सेशन की ज़रूरत है क्या, रिगार्डिंग दैट जस्ट लाइक योर करियर स्कोप इन, आप आईआईएससी में क्या करेंगे, राइट, आईसर के अंदर आप क्या करेंगे, आपका अभी क्या करियर प्रोस्पेक्टस रहना चाहिए, स्पेशली इलेवंथ वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। सो ये सारा सीन है। एंड जो भी यार जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी केवीपीवाई फाइट किया है, अगर आपके 75+ मार्क्स आ रहे हैं देन जो है मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है, और 75 में आप जो है टॉप 100 के अंदर आ जाओगे। और जस्ट मेरे को जो है ईमेल ज़रूर डालना अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, देन जो है आपका लाइव इंटरव्यू लेंगे और यूट्यूब पे भी डालेंगे, ठीक है। तो मेरा हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पे भी दिया गया है, ठीक है, और टॉपर्स का जनरली हम बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं, और जस्ट लाइक वेबसाइट पर भी डालेंगे, तो जस्ट कॉन्टेक्ट करना, मिठाई भी हम ही खिलाएँगे तुमको, ठीक है। तो जस्ट थैंक यू सो मच गाइस, और यार खूब पढ़ते रहिए, एंड आईसर वगैरह के रिगार्डिंग एडमिशन प्रोग्राम वगैरह चलता रहता है, एंड आई विल प्रोवाइड यू वेरी गुड कंसल्टिंग, ठीक है। वैसे मैं जनरली बात नहीं करता, बहुत कम करता हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट आई एम वेरी इंटेलिजेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर कोर्सेस, एंड आई एम ओपन ए मेनी मेनी स्टार्टअप्स इन द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, एंड आई एम गेट द एडमिशन इन IIT इन ओनली एंड ओनली फॉर 16 ईयर्स, 16 साल की एज में मैंने जो है IIT में एडमिशन ले लिया था, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग हंसते हैं, मतलब ऐसा उनको